हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभातुल बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 अरे एक बार जोर कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान श्री देवानंद गौड़ीय मठ है। ये स्थान अभी अभी सब भक्त लोग बता रहे थे ये हमारी जन्मभूमि है, क्योंकि मैं भी पहले गुरुजी के साथ में मैं भी यहाँ पर आया हूँ, इसलिए यहीं पर रह करके हम सबके सब श्री नवद्वीप धाम के हम लोग परिक्रमा किया करते थे। कहते ये जो नवद्वीप धाम जो गौड़ीय मठ है ये मठ का प्रतिष्ठा था श्रील भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज। अभी प्रश्न है उन्होंने ये गौड़ीय मठ का स्थापन क्यों किया, इसका उद्देश्य किया था है? बोले इनका उद्देश्य था जो श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आ करके जो ब्रज प्रेम को जो प्रदान करते हैं जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरिंग चिरात करुणयाव तीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम। बोले जिस ब्रज प्रेम प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव और नारद आदि भी जिस प्रेम को पाने के लिए तरसते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु मुक्त हस्त में उन्होंने कोई जात पात का विचार नहीं करते हुए सभी को उन्होंने वो प्रेम को उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मर नाम सुखी है या लोक मर गायब के कीर्ति। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है सबके सब प्रसन्न होकर के कलयुग में ये जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कहते ये नाम को उन्होंने कीर्तन करेंगे। सचमुच से अभी देखो यहाँ पर देखने पर ऐसे लगता है मानो विश्व ब्रह्मांड यहाँ पर टूट पड़ा, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का भविष्यवाणी है एक दिन ऐसा आएगा जितने सारे तीर्थ है उसका महिमा धीरे 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 घटते जाएगा और श्री नवद्वीप धाम का जो महिमा इतना विस्तार होगा सारे संप्रदाय सबके सब खत्म हो करके सबके सब श्री महाप्रभु की धारा में और श्री प्रभुपाद का धारा में अभिषिक्त हो करके निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी सचमुच से नवद्वीप परिक्रमा के में आने पर ऐसे ही लगता है हमारी जो संप्रदाय का जितना जो देखो कितने लोग हैं, अगर हमारी परिक्रमा अगर दोनों मिल जाए ना पता लगता है पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं, इतने भीड़ है। लेकिन होने पर भी लेकिन श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने जिस उद्देश्य में उन्होंने ये जगत को स्थापन किया है ये गौड़ीय वेदांत समिति को स्थापन किया इसलिए हर आचार जगह एक एक वैशिष्टता है। लेकिन ये हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का अगर विचार करेंगे आप देखोगे सबसे ज्यादा अगर विशेष इसकी वैशिष्टता है श्रील भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज, इसलिए इनके अंदर में एक विशेष वैशिष्ट इनका नाम क्या है बोले भक्ति प्रज्ञान। बोले भक्ति नहीं भक्ति का प्रकृष्ट रूप में ज्ञान है। क्या तो प्रकृष्ट रूप में ज्ञान है क्या है क्या चीज वो ज्ञान कहते ज्ञानम में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तद गंच गृहणम गदितम मैया। भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा को ये दिव्य ज्ञान उन्होंने प्रदान किया, बोले ज्ञान नहीं उन्होंने विज्ञान प्रदान किया है। वो विज्ञान क्या है बोले विशेष रूप का ज्ञान है, इसलिए उन्होंने यह चीज को उन्होंने प्रतिष्ठित करके दिखाया। इसलिए समिति का नाम क्या रखा उन्होंने
गौड़ीय वेदांत समिति नाम रखा। सन्यासी का नाम क्या रखा? भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी। वेदांत 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 नाम रखे। कुछ कुछ लोगों ने कहा भैया वेदांत मायावादियों का ग्रंथ है, अक्सर करके तुम लोग ये वेदांत वेदांत सन्यासी का नाम समिति का नाम वेदांत क्यों रखा? इनके अंदर विशेष वैशिष्ट दिखाया। बोले वेदांत का तात्पर्य क्या है? बोले वेद का जो अंत है, वेद का जो सार है। बोले भैया वेद का सार क्या है? कहते निगम कल्प तरूर गलितम फलम। इसलिए वेद का सार श्रीमद भागवत है। और जहाँ पर कृष्ण स्वयं ब्रज गोपियों की चरण में गिरते हुए, राधा रानी के चरण में गिरते हुए कहते हैं राधे तुमने हमें जो प्रेम किया है, अगर ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी वो प्रेम का कभी ऋणी से कभी मैं उऋणी नहीं बन सकता हूँ। इसलिए यही चीज को स्थापन करने के लिए उन्होंने ये गौड़ीय वेदांत समिति को स्थापन करते हुए महाप्रभु जो चीज को जगत में देने के लिए आए, उन्होंने सचमुच से यही चीज को उन्होंने देने के लिए गौड़ीय वेदांत समिति वेदांत वेदांत और उन्होंने वेदांत वेदांत नाम रखा है। ये जो मठ आप लोगों ने देखा है, ये मठ का भी विशेष वैशिष्टता है। बोले क्या वैशिष्टता है? आप लोगों ने जो प्रवेश आप किए होंगे देखे होंगे, जो तोरण है उसका नाम श्री नरहरि तोरण है। बोले इसका नाम नरहरि तोरण क्यों रखे? बोले नरहरि प्रभु कौन थे? बोले श्री प्रभुपाद का इन्होंने अंतरंग सेवक थे। यहाँ पर वो शिक्षा देते हैं, भैया जब तक तो गुरु जी की सेवा नहीं करते हो, प्रथमंत गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम, पहले गुरु जी की कृपा ही मूल है। इसलिए शास्त्र कहता है अगर गुरु अगर कभी असंतुष्ट हो जाए, गुरु रुष्टे हरि त्राता हरि, गुरु रुष्टे हरि त्राता और हरि रुष्टे, अगर गुरुदेव कभी अप्रसन्न हो गए तो भैया हरि तुमको रक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान कभी असंतुष्ट हो गए तो गुरु तुमको रक्षा कर सकते हैं। इसलिए जब तक कोई गुरु जी की सेवा नहीं करता है तब तक भक्ति जगत में उनका कोई प्रवेश नहीं है। इसलिए उन्होंने नाम रखा ये नरहरि तोरण रखा। और वह जो गेट में लिखा हुआ क्या है? बोले परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कलियुग का जो युग धर्म है ये हरिनाम संकीर्तन है, जिसको महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जिसको भागवत कहता है। क्या कहते हैं वहां पर? बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम। इसलिए भागवत का एकादश स्कंध में बताए कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राय ही जजंती सुमेधस। कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे? बोले संकीर्तन रूपी यज्ञ को द्वारा श्री सचिनंदन गौर हरि को उन्होंने उपासना करेंगे। बोले कलियुग में जो विशेष करके जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, इसलिए ये हरि नाम को हमें आश्रय लेना पड़ेगा। फिर प्रवेश करते ही सिद्धार्थ में उन्होंने प्रेस को स्थापन किया, उसका नाम क्या रखा? बोले वैकुंठ वार्ता वह, जो वैकुंठ गोलोक वृंदावन का जो वार्ता को इसी जगत में जो ले आते हैं। इसलिए जो प्रभुपाद ने, किसने प्रभुपाद को बताया? बोले प्रभुपाद जी हम चाहते हैं हर शहर शहर में एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते शहर शहर में, मैं तो चाहता हूँ हर गांव गांव में गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते घर गांव गांव में नहीं, हर एक एक इंसान को मैं गौड़ीय मठ होना जरा चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने, इसलिए प्रभुपाद ने ये चीज को सार्थकता करने के लिए उन्होंने बृहद मृदंग को उन्होंने स्थापन किया। इसलिए उसका नाम वैकुंठ वार्ता वह, गोलोक वृंदावन की जो वार्ता को जो ग्रंथ रूप में प्रकाशित होता है। और यहाँ पर उन्होंने ये मंदिर को स्थापन किया। ये मंदिर को स्थापन करते हुए आप लोग ऊपर, आप लोग देखिएगा ऊपर में क्या है। बोले चार वैष्णव संप्रदाय को उन्होंने स्थापन किया। क्यों? शास्त्र कहता है संप्रदाय विहीनाज मंत्रास्ते विफला मता अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय। अगर कलयुग में कोई अगर ये वैष्णव संप्रदाय को छोड़ करके अगर अन्य किसी जगह पर अगर हरिनाम दिखा ले तो वो निष्फल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार संप्रदाय को उन्होंने मंदिर बनाया। उसको ऊपर में एक बंसुरी है,
बोले बंसी को द्वारा उन्होंने क्या किया, बोले त्रिजगत मानस आकर सिमरली कल पूजित। जैसे कृष्ण बंसी ध्वनि किया तो जो बंसी ध्वनि सुनकर के समस्त ब्रजवासी समस्त ब्रज के गोपियां वहां पर आए हैं, उसी तरह उन्होंने भगवान का वाणी जगत में प्रचार और प्रसारित हो, इसलिए उन्होंने वहां पर बंसुरी उन्होंने रखे। और विशेष करके और एक चीज उन्होंने बनाई, वो जो दक्षिण दिशा है ना वहां पर पायखाना घर बनाए, इसलिए उसको उन्होंने नाम दिया गोबर। क्या नाम दिया उनको? ज्ञान खंड नाम दिया। देखो उनको क्या, उन्होंने इस मायावादी को खंडन करने के लिए उन्होंने जो ग्रंथ बनाया, मायावादी जीवन उन्होंने बनाया, उन्होंने स्थापन किया है। जो व्यक्ति भगवान को निराकार मान करके भगवान की भक्ति को छोड़ करके ज्ञान मार्ग में जाते हैं, वो क्या है, उन्होंने स्थापन किया। तब जो भगवान को निराकार मानते हैं वो लोग उनको स्थापन करते हुए बोले वो क्या है, बोले पायखाना है। पायखाना उसको बताए बताए जो ज्ञान मार्ग में चलने वाले हैं, इसलिए उन्होंने। और जो गोवर्धन खंड रखा किसका नाम, जहाँ पर गैया की है। और यहाँ पर मंदिर में उन्होंने विशेष करके ठाकुर को स्थापन करते हुए और जो गेट उन्होंने बनाया उसका नाम रखा मदन मोहन तोरण। इसका तात्पर्य क्या है, अगर कोई गुरु जी की अनुगत्य में हरिनाम संकीर्तन गुरु जी को आश्रय करते हुए अगर कोई भजन करेगा तो उनको स्थान कहाँ पर मिलेगा, बोले तासाम अविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सारगी साक्षात मनमत मनमत, उनको स्थान मिलेगा, श्री रासलीला में उनको स्थान मिलेगा। इसलिए उन्होंने ये जो गौड़ीय मठ में बनाए ना, अद्भुत रूप में एक दिव्य ज्ञान एक सिद्धांत और एक तत्व दर्शन के द्वारा उन्होंने ये गौड़ीय मठ बनाए, इसलिए हम लोग इनकी आश्रय में आए हैं। और यहीं पर जब हरि कथा कर रहे थे, किसने बोले प्रभु यहाँ पर कुछ फूल क्यों नहीं लगाते हो, बोले देखो ना फूल बैठे ना, देखो भक्तिवेदा नारायण गोस्वामी बावन गोस्वामी त्रिविक्रम गोस्वामी, यही तो फूल है, ये फूल का खुशबू कहाँ तक जाएगा, दो दिन बाद में मुरझा जाएगा, लेकिन ये फूल का जो खुशबू एक दिन संपूर्ण विश्व में जाएगा। और सतमुच से अनंत भ्रमर वो फूल का रस को आस्वादन करते हुए आकर के और वो रस को आस्वादन करेंगे। सतमुच से देखो उसमें हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज थे, क्योंकि हर गुरुदेव हर शिष्य का हृदय के भाव जानते हैं। उनको पता था ये नारायण गोस्वामी महाराज एक दिन ऐसे एक फूल बनेगा, विश्व के समस्त व्यक्ति आकर के वो फूल को ऊपर बैठ कर क्या करेंगे, वो मधुर आस्वादन करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, यह हमारे गुरुवर्ग का मूल स्थान है, ये गुरुवर्ग हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, जैसे ये परिक्रमा को हम सुष्ट रूप में कर सके। कृपा सिंधु वैष्णव।